श्रोताओं, खून की कमी या एनीमिया के बारे में हम और आप कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखते हैं, लेकिन किस तरह से हम एनीमिया न होने दें, इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुधा गुप्ता को। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं कमला नेहरू चिकित्सालय भोपाल में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि खून की कमी या एनीमिया क्या होता है, हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। एनीमिया का शाब्दिक अर्थ है खून की कमी। इसको हम इंडियन मापदंडों के अनुसार 10 ग्राम प्रतिशत से अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हम एनीमिया कहते हैं। हमारे देश में एनीमिया की बीमारी एक बहुत ही आम समस्या है। गर्भावस्था के दौरान करीब 40 से 80% महिलाओं में यह बीमारी मिलती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रिवेंशन संभव है, जिसका बचाव किया जा सकता है। करीब 20% महिलाओं में मातृ मृत्यु होती है वह एनीमिया या इससे रिलेटेड कॉजेस के कारण होती है। जी, और इसलिए शायद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एनीमिया के बारे में सबको जानकारी हो और सही जानकारी हो, ताकि वो उसके लक्षणों के जरिए उसे पहचान सकें या उपचार की जरूरत है तो उपचार करवा सकें, और यदि इसको रोका जा सकता है, इससे बचा जा सकता है तो उसका उपाय शुरुआत से कर सकें। हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। का इम्पोर्टेंट कारण होता है डायट्री डेफिशिएंसी होना, खुराक की कमी, सही मात्रा में आयरन का, प्रोटीन का भोजन में कमी, भोजन में शामिल ना होना, फॉलिक एसिड विटामिन B12 की कमी होना। डाइट जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसमें अक्सर इन तत्वों की कमी रहती है। फाइटिक एसिड डाइट में ज्यादा है तो यह आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। मेल न्यूट्रिशन की स्टेट है तो उसमें पेट में अम्ल की मात्रा कम होती है, उसमें भी आयरन की कमी हो जाती है। कभी कभी महिलाओं में ब्लीडिंग पाइल्स होती है, बवासीर की शिकायत रहती है, उनको एनीमिया होता है। हमारे देश में मलेरिया एक जो बीमारी है यह काफी कॉमन है, इसमें खून की कमी हो जाती है। प्री प्रेग्नेंट स्टेट में मलेरिया की बीमारी रहती है, फीवर आता है लेकिन वो डायग्नोस नहीं होता। लंबी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह के इन्फेक्शंस में एनीमिया मिलता है। पेट में कीड़े हैं, हुकवर्म्स हैं, उनमें एनीमिया मिलता है। प्री प्रेग्नेंट स्टेट में प्रेगनेंसी के पहले माहवारी की समस्या रही हो अधिक आने की, बार बार गर्भ धारण करना जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज का होना, 3 साल से कम का अंतराल है 2 प्रेगनेंसीज के बीच में, अक्सर उन महिलाओं में मिलता है। कभी कभी आनुवंशिक बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनमें एनीमिया मिलता है। ऐसे बहुत सारे कारण आपने बताए जिसके कारण एनीमिया हो सकता एक है। एक इम्पोर्टेंट कारण और है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया जिसको UTI, जिसका सिम्टम्स महिला को नहीं होते, या अक्सर महिलाएं पानी कम पीती हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, कि यूरिन ना जाना पड़े, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है जो एक एनीमिया का कारण होता है। ये सारे कारण एनीमिया के होते हैं, लेकिन इनके क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे ये पहचाना जा सके कि एनीमिया हो रहा है, ताकि उससे बच सके। खून की कमी धीरे धीरे बढ़ती है, अक्सर महिलाओं को पता नहीं चल पाता कि उनको एनीमिया हो रही है। डॉक्टर पर जब के पास जब वे जाती है तो पता चलता है कि उनको खून की कमी है। कावट होना, भूख ना लगना, सांस का फूलना, सुस्ती आना, कमजोरी होना, इनडाइजेशन, खाना ना पचना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है हाइपरप्रोटीनीमिया के कारण बाद में जी, मुंह में छाले होते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो वह बढ़ जाती है। साथ में कभी कभी मरीजों को ब्लड प्रेशर, महिलाओं को की समस्या हो जाती है प्री एक्लेम्शिया, जो मेल न्यूट्रिशन और हाइपरप्रोटीनीमिया के कारण जिसका संबंध है, जिससे वो एनीमिया के साथ मिल जाता है। ये लक्षण यदि दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं तो इसे बहुत आम लक्षण या एक बहुत साधारण सी बात मानकर सह नहीं लेना चाहिए जी, बल्कि किसी चिकित्सक को दिखाकर सलाह लें, और यदि वो किसी तरह की कोई उपचार की बात करता है या दवाई देता है तो उसका यदि पालन किया जाए तो एनीमिया की परेशानियों से बच सकते हैं। क्या इससे किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं या खून की कमी किसी गंभीरता को भी ले लेती है? जी, इस कॉम्प्लिकेशंस इसके प्रेगनेंसी में महिला को और बच्चे को, गर्भ में पल रहे शिशु को, दोनों को होते हैं। महिलाओं में
इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का है तो वह फ्लेयर हो सकता है, बढ़ सकता है संक्रमण। प्री एक्लेम्शिया का साथ में एसोसिएशन होता है इसका। प्री टर्म लेबर, उसको पहले बच्चा समय पूर्व प्रसव होने की संभावना रहती है। और अगर सीवियर अनीमिया है तो कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है, बल्कि इसका बहुत तेजी से प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि गर्भधारण के समय और किशोरी बालिकाओं को भी आयरन और फॉलिक एसिड दी जाती है, तो इसका संबंध एनीमिया से किस तरह है? बिल्कुल, एनीमिया मेनली जो है डायट्री डिफिशियंसी, जो कॉमन कॉज है वह डायट्री डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी है जी। तो अगर हम किशोरावस्था में, आजकल बच्चे, आजकल क्या हमेशा से ही कंप्लीट मील बच्चे नहीं लेते हैं, उनके भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी गुड़ तरह का दूध पूरी चीजें शामिल नहीं होती है, तो डाइट इनकी इनकम्प्लीट रहती है जी। अगर हम आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट दे देते हैं तो ये स्टोर्स काफी हद तक हम उनको कवर कर देते हैं, प्लेनिश हो जाते हैं जो भी डिफिशियंसी है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं इस खून की कमी को लेकर और कितना होना चाहिए? हमारे देश में WHO के अनुसार वैसे तो ये 11 ग्राम% लिया हुआ है हीमोग्लोबिन की मात्रा, लेकिन हमारे देश में हम 10 ग्राम% मानते हैं। 8 से 10 ग्राम माइल्ड एनीमिया रहता है, 7 से 8 ग्राम मॉडरेट और 7 ग्राम% से कम सेवियर एनीमिया। ग्रामीण परिवेश में एनीमिया थोड़ा ज्यादा मिलता है, रूरल क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। ये कमी इनमें ना हो इसके लिए वो अपनी दिनचर्या में और अपने खान पान में उन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं जिससे कि खून की जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, वो मिलती रहे? हमारे भोजन में हरी सब्जियां, हरी मटर, दालें, बीन्स, गेहूं का सेवन, गुड़ की मात्रा को हम बढ़ा दें या उसको शामिल कर दें जी। लोहे के बर्तन में खाना पका सके तो पकाएं। पहले लोहे के बर्तन में खाना पकता था, कई प्रेगनेंसीज होती थी लेकिन एनीमिया नहीं हो पाता था। चावल का माड़ नहीं निकालें। अगर नॉन वेजिटेरियन तो मीट एग्स ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, दूध पिए। मूंगफली है, चने की दाल है, चना है, इसका सेवन अधिक करें। डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज और जानना चाहेंगे कि आयरन की दवाई दी जाती है, कई बार उसे खाने से भी उन्हें कुछ वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं, और गर्भवती महिलाओं को इन जनरल भी कई बार इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? कभी कभी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, उल्टी का जी होता है, नौशिया होती है, उनमें दवा लेने की कंप्लायंस थोड़ी पुअर हो जाती है, तो हम पूछते हैं कि उनका स्टूल का कलर क्या है। अगर वह काला बताती हैं तो हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वह आयरन ले रही हैं। कंप्लायंस नहीं अच्छी होती है, ज्यादा दिक्कत आती है, फिर हमें जो है इंजेक्शन फॉर्म में उसको देना पड़ सकता है। इस पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना समय बचा है डिलीवरी के लिए। और प्री प्रेग्नेंट स्टेट में हर महिला को सजेशन है कि एक बार डॉक्टर को जाकर जांच करवा ले अगर हो सके, और कोई भी डिफिशियंसी है या कोई भी इन्फेक्शन है उसका निवारण हो सके, उसके बाद प्रेगनेंसी धारण हो। डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तार में एनीमिया के संदर्भ में हमें जानकारी दी। हम चलते चलते ये और जानना चाहेंगे कि कोई विशेष सलाह आप यदि इससे जुड़ी हुई देना चाहती हैं तो वो क्या होगी? कम से कम 3 या 4 एंटीनेटल विजिट प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जरूर कराएं। जैसे ही पता चलता है गर्भ का उस समय दिखाएं, 30 हफ्ते पर और फिर बाद में 36 हफ्ते पर हीमोग्लोबिन की जांच कराएं। अगर आपने किसी कोई गर्भवती महिला है रजिस्टर नहीं कराया तो तुरंत जाकर डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराएं। हर उसके एडवाइस को फॉलो करें। घर में बड़े बुजुर्गों का, सास ससुर और पति का कर्तव्य है कि उसका अच्छे से ख्याल रखें। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है टेंडर लविंग केयर, हर गर्भवती महिला को उसकी आवश्यकता होती है। परिवार के लोग उसका पूर्ण सहयोग करें और उसको उसकी मदद करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बताई हुई इन बातों का ध्यान श्रोता जरूर रखेंगे और वक्त पड़ने पर वो केयर भी अपने परिजनों को जरूर देंगे। एक अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।